हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट टू। पार्ट वन में हम कुछ देख चुके हैं, आज पार्ट टू में हम आएंगे। इसमें क्या था, डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेन रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला पार्ट वन में, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हम देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो पहले से जो ओल्ड बैलेंस शीट दी होती है, उस ओल्ड बैलेंस शीट में क्या होता है कि लायबिलिटी साइड में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहती है, और लायबिलिटी एसेट साइड में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ये एसेट साइड होता है बैलेंस शीट का पुराने वाली में, और ये लायबिलिटी साइड होता है। इसमें बहुत से डिफरेंट आइटम होते हैं जो आपको पता है, इसमें जैसे कि जनरल रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, उसी तरह इस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता है, ये लॉस है। उसी तरह हम लोगों का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह ये इस साइड में रहते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी बैलेंस शीट में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस हैं और हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने जा रहे हैं, तो उस टाइम क्या करना होगा कि उनको भी एक क्राइटेरिया के हिसाब से या तो उसको पार्टनर आपस में बांट लेंगे या उसको नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से काम किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, इसमें क्या होता है कि व्हेन पार्टनर डिसाइड्स नॉट टू शो द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स इन न्यू बैलेंस शीट, वो नई बैलेंस शीट में इसको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों कि अगर वो नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो फिर नए रेशियो में उसको बांटना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि आज ही उसको हम लोग यहां पर बांट करके आपस में कैपिटल और करंट अकाउंट में ले लें। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है तो लायबिलिटी हमारी खत्म हो रही है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस को भी हम डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओनली सरप्लस, होता क्या है कि अगर आपके पास पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मान लीजिए वहां 10,000 आपका पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ आपका 10,000, और इसके अगेंस्ट में आपका क्लेम है 4,000, तो सरप्लस कितना हो गया, ये सरप्लस हमारा हो गया 6,000। तो ये 6,000 को ही पार्टनर आपस में बांटेंगे। ये सारी एंट्री एडमिशन वाले जो वीडियो है उसमें डिटेल में दिखाई हुई है, तो यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसमें भी अगर सरप्लस हो, सरप्लस मतलब कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का दाम में कुछ कमी या बेसी आती है उसको एडजस्ट करने के बाद अगर हमारा कुछ सरप्लस बचता है तो यही सरप्लस पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब, और कैपिटल फिक्स है तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और ये ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा क्योंकि पार्टनर इसको कैरी नहीं करना चाहते हैं। जब कैरी नहीं करना चाहते हैं तो हमको गेन रेशियो या सैक्रिफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पर पार्टनर लोग अपने ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म कर देंगे। जैसे कि वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट थी, उसी तरह कुछ एक्युमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं, तो जब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी, और पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट वो डेबिट करने से घटता है, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में था, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड में था ओल्ड बैलेंस शीट में, उसको जब हम बांट रहे हैं तो एसेट्स को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे, और जो एसेट साइड में था लॉस था उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह हमने देखा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये दोनों ही ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट दिए गए। कब, जब पार्टनर ने यह डिसाइड किया था कि हम इसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे।
अब इसको इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी देखा सकते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनका रेशियो है 3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. अब इन्होंने बोला है कि हम लोग इक्वल लेंगे, मतलब ये 1:1 के रेशियो में आप प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे. ऑन दैट डेट उसी दिन दे वेर हैविंग जनरल रिजर्व, उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था 30,000 रुपए का एंड देयर वॉज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वह हमारा लॉस होता है. इसके लिए बोला जा रहा पास जर्नल एंट्री. ए पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो, ये पार्टनर ये डिसाइड कर लिए हैं कि इसको नई बैलेंस शीट में हमने शो नहीं करना है. जब पार्टनर ने यह डिसाइड कर लिया है तो हमको अभी ही ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देना होगा. तो पहली एंट्री आ गई हमारी, जो जनरल रिजर्व था 30,000 का, ये जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व को हम बांट रहे हैं और ये पैसा मिलने वाला है पार्टनर को. अगर कैपिटल फिक्स होगी तो कैपिटल अकाउंट में दीजिएगा, अगर वो कैपिटल फिक्स होगी तब करंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. तो ये दोनों बात यहां पर आपको ये बता दी गई, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैपिटल अगर फिक्स है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा. अब ये जो 30,000 था इसको उन्होंने ओल्ड रेशियो में बांटा है, तो यहां पर देखिए ये 30,000 इंटू 3/5, तो ये 3/5 ए को मिला और 30,000 का 2/5 वो बी को मिला, तो ये बैलेंस इनका आया 18,000 और 12,000. अब पहले से एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी था हमारे पास, डेबिट बैलेंस 20,000 रुपए का, और जब उसको हम लोग पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर के कैपिटल या उसका करंट अकाउंट ये डेबिट होगा. इसमें भी वो डिपेंडिंग अपन द सिचुएशन कि अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट में जाएगा, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाएगा. तो ये 20,000 जब हम बांट रहे हैं तो 20,000 को हम 3/5, तो ये 12,000 इसका हो गया और इसका 20,000 इंटू 2/5 इसका हो गया 8,000. ये टोटल जो पहला रिजर्व था वो भी बांट दिया गया और जो पहले का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था उसको भी हमने यहां पर बांट दिया. इस तरह से आपने देखा जब पार्टनर चाहते हैं कि नया बैलेंस शीट में इस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को कैरी नहीं किया जाए तो उसको वहीं पर ओल्ड रेशियो में पार्टनर के बीच कैपिटल की सिचुएशन के हिसाब से, अगर फिक्स है तो करंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसको कैपिटल अकाउंट में बांट के ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है व्हेन पार्टनर डिसाइड टू शो रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द न्यू बैलेंस शीट, मतलब अब पार्टनर कैरी करना चाहते हैं कि उसको अभी ना बांटा जाए और उसको फ्यूचर में हम रख लेते हैं और जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज किया जाएगा. तो यहां पर क्या होता है कि एक एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करनी बहुत जरूरी हो जाती है. वो किस लिए कि अगर जो पहले से पड़ा हुआ रिजर्व है उसको अगर आज बांटते हैं तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और कल अगर बांटते हैं मतलब कुछ दिन के बाद उसको कैरी कर रहे हैं, बाद में बांटने की सिचुएशन अगर आती है तो उस टाइम जो रेशियो होगा वो नया रेशियो होगा, जिसके चलते किसी पार्टनर को नुकसान हो सकता है, किसी पार्टनर को फायदा हो सकता है. तो जिसको फायदा होगा वो नुकसान सहने वाले पार्टनर को उतने अमाउंट से कंपनसेट करेगा, प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट निकाली जाती है. तो सो द गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सैक्रीफाइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो. एक एग्जांपल के द्वारा ये बहुत क्लियर होगा. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. अब ये लोग रेशियो क्या कर दिए हैं, इक्वल, तो दोनों का ही अब 3:2 था पहले, अब नया रेशियो ये हो गया. और ऑन दैट डे दे वेर हैविंग जनरल रिजर्व, उनके पास जनरल रिजर्व में 30,000 रुपए थे. पास जनरल एंट्री इफ पार्टनर डिसाइडेड टू शो द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि लास्ट वाले क्वेश्चन बोला था कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो, ये जब नॉट टू शो होगा तब आप पार्टनर के बीच उसको बांट दीजिएगा, और जब बोलेगा
कि दे पार्टनर डिसाइडेड टू सो द जनरल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व में शो करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को मिला करके आप देखिएगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाई कर रहा है। तो पहले गेनिंग और सेक्रीफाई रेशियो का आप निकालिएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहां हमने देखा ए का पहले 3/5 था, अब उसका 1/2 हो गया और उसका रिजल्ट प्लस में आया, तो इसका मतलब ए सेक्रीफाई कर रहा है। और बी का पहले 2/5 था, अब उसका 1/5 हो गया, वो माइनस में आया, उसका गेन हो रहा है। तो जो गेन करने वाला पार्टनर है वो सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा और प्रोपोर्शनेटली। हमारा अमाउंट कितना था, देखिए अमाउंट हम लोग के पास था जनरल रिजर्व में, जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था पैसा, वो पैसा था हमारा 30,000, ये 30,000 था। और अब देखेंगे कितना गेन हुआ, कितना सेक्रीफाई हुआ। तो ये 30,000 था, इसका 1/10 सेक्रीफाई है, 1/10 गेन है, तो 1/10 हम लोग निकालेंगे उस 30,000 का। तो बी गेन करने वाला था, तो जो गेन करने वाला था उसकी कैपिटल या करंट, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये कैपिटल भी हो सकता है और ये करंट भी हो सकता है। और एक बात आपको बता दें कि जब कभी कुछ नहीं दिया रहता है, जैसे कि हमने बताया अगर कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, उसके बारे कुछ नहीं बोला गया है, तो आप समझ लीजिएगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। और उसी के हिसाब से हमने क्या किया है कि सब कैपिटल में ट्रांसफर किया है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि अगर कैपिटल फिक्स है तब वो जाएगा करंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब क्या चक्कर है कि आप कैसे पकड़िएगा, फिक्स कैसे पकड़िएगा, फिक्स या तो अगर फिक्स कैपिटल होगा तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, इट विल बी गिवेन, ये क्या रहेगा, गिवेन रहेगा, और या नहीं तो वहां पर करंट अकाउंट का प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट नजर आएगा। जब क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल के बारे बोला है या करंट अकाउंट का प्रेजेंस आपको नजर आता है, तो आप समझ लीजिए कैपिटल फिक्स है, और तब जो भी आप ट्रांसफर करोगे वो आप करंट अकाउंट में करोगे। और जब ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है तो हर सिचुएशन में आप समझिएगा कि कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और सारे ट्रांसफर जो होंगे वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होंगे। तो यहां गेन करने वाला बी था, तो बी को हम डेबिट करेंगे, वो 30,000 की अमाउंट थी, 1/10 उसको 3,000, और टू एज कैपिटल में भी वही अमाउंट आएगी, 1/10 इंटू 30,000, तो इसका भी 3,000 हुआ। इससे क्या हो गया कि जो सेक्रीफाइंग पार्टनर था उसको अभी 3,000 रुपए ज्यादा मिल जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जब उस रिजर्व को बांटा जाएगा तो उसको 3,000 कम मिलने वाला है, इसलिए अभी ही उसको उतना पैसा ज्यादा दे दिया जा रहा है। अब बिंग एडजस्टिंग इंटरेस्ट पास फॉर जनरल रिजर्व। तो इस तरह आपने देखा कि हम लोग ने आज आपको सिर्फ यह बताया कि जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उसमें तीन नंबर हमने आपको बताया, जो 3 नंबर हमारा वीडियो आएगा उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को शो करेंगे, और उसके बाद वाले में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को दिखाएंगे, और ये सारे हो जाने के बाद एक बड़े हिसाब के साथ सारे एडजस्टमेंट एक जगह दिए होंगे, उसके साथ हम लोग सब कुछ बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।